Dragon Ball Z. Yeah, Dragon Ball Z. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सम्राट गेम वीके। तो आप लोगों से फिर से मिलकर अच्छा लगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल ज़ी की और सभी गेमों के बारे में और बताएंगे कौन सी गेम किस बेस पर बेस्ड है। तो ड्रैगन बॉल ज़ी की पहली गेम है सुपर ड्रैगन बॉल ज़ी, जो प्लेस्टेशन 2 में है और पीसी में भी। इसमें पूरा एनिमे वाला इफेक्ट है, इसके नॉर्मल ग्राफिक्स कह सकते हैं, यहाँ पर अच्छे ग्राफिक्स है। और इसमें स्पेशल अटैक और ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लिमिटेड है, मतलब वो ख़त्म होता रहता है। तो अगली गेम आती है ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई, प्लेस्टेशन 2 और पीसी में भी अवेलेबल है, और डॉल्फिन एमुलेटर भी चला सकते हैं आप। तो इसमें करेक्टर है बैकग्राउंड, और करेक्टर भी काफ़ी हद तक 3D है। स्पेशल अटैक और हॉल में अटैक करना आसान है उसके मुकाबले, बट इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन सन में करेक्टर थोड़े वाइट हो जाते हैं, और इसमें लिमिटेड है, यानी उनकी पावर ख़त्म होती रहेगी अगर सुपर सेन बनते रहे या कहने के। पर करेक्टर 3D में तो देख सकते हो सुपर सेन इस तरीके का दिखेगा आपका, अच्छा है। और उसके बाद आती है ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई 2, ये उसके मुकाबले और अच्छी है क्योंकि फ्रेंचाइज ने अगला पार्ट निकाला जो उसके पिछले वाले कमियों को दूर किया। और इसमें है स्टोरी मोड में मैप मोड भी काफ़ी अच्छा दिखता है, और ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर सकते हैं इसमें इजीली, और सब में होता है। और इसमें करेक्टर काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छा है, और स्पेशल अटैक करना काफ़ी इजी है, और नॉर्मल अटैक्स भी और अल्टीमेट अटैक भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी आप खेल के देखो तो आपको अच्छा लगेगा पार्ट। अब बढ़ते हैं अगली तरफ, इसका नाम ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई 3, और ये उससे एपिक है क्योंकि इसमें मूवी वाले करेक्टर है, सुपर सैयन 4 है, सुपर सैयन 4 और में भी हो सकता है, पर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के मुकाबले और पावर लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन बने रह सकते हैं, पावर ख़त्म हो जाने पर आमतौर पर नॉर्मल फॉर्म नहीं होता तो वेरी इजीली। और इसमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक को 3D लगते हैं थोड़े, और ये एनिमी से काफ़ी अलग इफेक्ट है और काफ़ी अच्छा भी है। तो काफ़ी बढ़िया, उसमें सुपर सैयन 4 है और उसमें वेजिटा है, और गोकू सुपर सैयन 4 आराम से इजीली कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें दोनों को दिए गए पूरे 4 ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर 3 ट्रांसफॉर्मेशन में वेजिटा 4 सुपर सैयन 4, गोकू का 4 ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 4। पर इसके अलावा और चैलेंजर्स और स्पेशल अटैक काफ़ी इफेक्टेड है और अच्छे ग्राफिक्स हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पावर पंच वीडियो। जो गेम्स हैं एक के बाद एक ऊपर है, तो उसके लिए नंबर है प्लेस्टेशन 2 का ड्रैगन बॉल ज़ी इन्फिनिटी वर्ल्ड। पर मैं कहना चाहता हूँ इससे बढ़िया तो आपकी ये ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई 3 थी इन्फिनिटी वर्ल्ड के अलावा, क्योंकि इसमें फाइट लॉन्ग चलती है, कि लॉन्ग चलने का स्पेशल मूव्स के अलावा भी कुछ स्पेशल अटैक्स के अलावा भी फाइटिंग काफ़ी अच्छी चलती है। पर ड्रैगन बॉल ज़ी इन्फिनिटी वर्ल्ड इसमें है ड्रैगन बॉल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं फॉर रेड, और दिया गया मैप के ज़रिए, और स्टोरी मोड अलग है। तो इसमें फाइटिंग मल्टीप्लेयर वही सिंपल और अच्छी है। फिर आती है ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई 2 चाई, ये पहली गेम है, उसमें करेक्टर काफ़ी बड़े दिखते हैं और अच्छे भी दिखते हैं। अल्टीमेट अटैक के अलावा कॉम्बोस और काफ़ी कुछ है, और ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है, मतलब और अच्छा है। ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई टीचाई 3 से इन्फिनिटी वर्ल्ड्स के अलावा उससे काफ़ी अच्छा है, और इसमें एनर्जी और काफ़ी एपिक दिखते हैं। और यहाँ इसमें सबसे बड़ा है डिस्ट्रक्शन, इसमें अंडर वाटर फाइट कर सकते हो, और यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड में भी तुम्हारा वो डैमेज होता है, बैकग्राउंड भी डैमेज होता है, पत्थर टूटते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी कॉस्ट्यूम जो है वो भी डैमेज होती है, तो ये काफ़ी एनिमी वाला इफेक्ट है और काफ़ी अच्छा लगता है। फिर आगे अगला आता है ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई टीचाई 2, उसको बढ़ा दिया जैसे कि सुपर सैयन लिमिटेड होता था तो उसमें भी थोड़ा लिमिट कम कर दी, और उसमें सुपर सैयन 4 है उसमें भी था, पर उसमें और भी ऐसे ड्रैगन बॉल ज़ी के करेक्टर्स को और मॉडिफाई किया गया, तो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स और बैकग्राउंड और डैमेज वही वैसे ज़्यादा और
सुपर सैयन 4 अवेलेबल है, तो सुपर सैयन 4 आपका अवेलेबल ड्रैगन बॉल जी बुडोकाई टीचाई फर्स्ट में भी था, और उसमें एक में सारे ट्रांसफॉर्मेशन दे दिए थे। इसमें भी सुपर सैयन 4 है, जैसे गोकू का होगा 4 ट्रांसफॉर्मेशन और 4 वेजिटा का भी, तो उसमें वेजिटा का ऐड जैसे कि ये हुआ था किसी मार्जिन वेजिटा, फिर सुपर सैयन 4 वेजिटा, यानी कि एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इसमें लगातार, जैसे सुपर सैयन 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे। और ड्रैगन बॉल ज़ी बूट पर सेकंड पार्ट में इसको मैं चेंज कर दिया थोड़ा, सुपर सैयन 4 को थोड़ा अलग कर दिया, और इसमें GTA करेक्टर और मोस्ट कम दिखने वाला करेक्टर आपने इस गेम में नहीं मिलेगा, जैसे कि वो है फ्यूचर गोहान। जब तक कि मैंने गेम बताया फ्यूचर गोहान नहीं था कहीं भी। ड्रैगन बॉल ज़ी बुडोकाई टीचाई 3 एपिक लेवल पे एपिक, तो इसलिए इसमें मोस्टली करेक्टर्स हैं, रिड्यूस मोस्टली करेक्टर्स, जैसे फ्यूचर गोहान। इसी गेम में खाली लौटती एक यही गेम है जिसमें फ्यूचर गोहान आ गया है सुपर सैयन फॉर्म में, और अच्छे ग्राफिक्स और हाई ग्राफिक्स और एडिट बता दूँ मैं सब में इस गेमों में, जैसे कि इसकी जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है इसमें आप एडिट कर सकते हैं करेक्टर को, उसका लुक और स्टाइल को, और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि वैसे वेजिटा जैसे सुपर सैयन मतलब सुपर सैयन 2 के बाद वो सीधा मार्जिन वेजिटा बन जाए, या सुपर सैयन 4 बन जाए, या फिर और कुछ, तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं इस समय। तो ड्रैगन बॉल ज़ी इसमें भी बुडोकाई टीचाई 3 में भी देखा था ऐड किया था, जैसे कि सुपर सैयन 2 के पास वेजिटा उनका सुपर सैयन 3 और 3 के पास सुपर सैयन 4, तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं, यानी आप बना सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर गोहान को सुपर सैयन 4 तक ले जा सकते हैं, और एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन, और काफ़ी अच्छा और एपिक, बिल्कुल एनिमी वाला इफेक्ट, वो भी 3D में लगता है, 3D इफेक्ट देता है बिल्कुल 3D। और इसके अलावा इसके मोड भी बहुत सारे आए हैं। फिर अगली बात करते हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की, तो ड्रैगन बॉल ज़ी सागा, ये कॉमिक बुक नहीं है, बुक में समझ लेना, और ये 3D में है, और ये प्लेंटेशन 2 डॉल्फिन विल्स में भी चला सकते हैं, अभी सारी गेम मैंने बताई है वो सब अवेलेबल है, PC में भी है, तो इसमें कोको एक 3D में है, और इसमें स्टोरी मोड है, और इसमें हाँ वर्सेस मोड नहीं है, और मैं का स्टोरी मोड और वर्सेस मोड था, तो इसमें स्टोरी मोड मल्टीप्लेयर है, और स्टोरी मोड मल्टीप्लेयर है, और स्टेज के हिसाब से मल्टीप्लेयर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसमें भी है फ्यूचर गोहान, ये इकलौती गेम है, इकलौती नहीं सेकेंड गेम है फ्यूचर गोहान है, प्लेंटेशन 2 में खाली, आगे और बताऊँगा। तो ये 3D में यहाँ पे मिलता है रोबोट्स फाइट के डर नथिंग टू अनदर। तो फ्रेंड्स लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और देखिए पंचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स ड्रैगन बॉल ज़ी सागा इस तरीके की है, इसमें स्पेशल मूव बहुत कम है पर कॉम्बो है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा और स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट, जैसे पत्थरों का हवा में उड़ना और धुआं उठना, और उसमें फ्यूचर गोहान भी है, ये फ्यूचर गोहान ऐसा करेक्टर है जो बहुत कम गेमों में नज़र आता है। तो पढ़ते हैं आगे, जो प्लेंटेशन 3 का अल्टीमेट टीचर है, और इसमें वारडॉग द सुपर सैयन फॉर्म भी है जो आप अनलॉक कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है इसमें क्रिएट कर सकते हैं अपना सुपर सैयन कैसे भी, तो इसमें बहुत स्पेशल मूव्स और अटैक्स और कॉम्बोज भी हैं, पर कॉम्बोज कम कहेंगे स्पेशल अटैक बहुत है, और ये दिखते बिल्कुल 3D हाई ग्राफिक्स में देखो, और इसके नंबर है इसके बाद ड्रैगन बॉल बैटल फॉर ज़ी, जो कि वैसा ही 3D ग्राफिक और हाई बैटल, उसमें ड्रैगन बॉल सुपर से जुड़े हुए कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, और फिर है ड्रैगन बॉल रनिंग बेल्ट। फ्रेंड्स यही है तो फ्रेंड्स इसमें और अल्टीमेटली छाई में एक कमी है, वो कमी यह है ड्रैगन बॉल ज़ी सागा की तरह इसमें स्पेशल इफेक्ट नहीं है, यानी उड़ते हुए पत्थर और हवा और धुआं इतना नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट में जो है इसका सेकंड पार्ट, और इसमें है अल्टीमेट चैलेंजर्स, क्योंकि इसमें बहुत से चैलेंजर
वेजिटा सुपर सैयन 3 फॉर्म भी और ब्रोली द सुपर सैयन 3 फॉर्म। तो ये है पर इसमें इफेक्ट और ये थोड़ा अल्टीमेट टीचर से थोड़ा कम लगता है, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता पर कंपेयर। और उसके बाद है ये लास्ट लिमिट और ये है ड्रैगन बॉल वूडू फाइट 3 की तरह, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है लेकिन आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं कि एक मिनट के लिए या एक दो सेकंड के लिए करेक्टर पूरा वाइट कलर का दिखता है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, पर इसमें वैसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है पर कॉम्बो और स्पेशल अटैक वैसा ही है जैसे ड्रैगन बॉल वूडू काई 3 में है, पर इसमें फाइट है अमेजिंग और थोड़े अच्छे ग्राफिक्स। अब बढ़ते हैं ये ड्रैगन बॉल यूनिवर्स, और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स पीसी में भी अवेलेबल है, प्ले स्टेशन 3 में भी। और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है, 3D हाई ग्राफिक्स है, अल्टीमेट मूव है, पर इसमें कमी है ट्रांसफॉर्मेशन में एक कैरेक्टर चाहिए। अब ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 2 के बारे में बात करेंगे पर पहले इसको कंफर्म करते हैं। इसमें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 1 में एक कमी यह है कि इसमें आप अगर चाहें तो सुपर सैयन 1 नहीं बन सकते हैं, सुपर सैयन 2 नहीं बन सकते। अगर आपने ऐसा किया तो इसमें आपको फेल होगा पर आपको स्पेशल मूव्स कम होगा। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 2, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में जो स्टोरी शुरू हुई थी वो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 2 में ख़त्म होती है स्टोरी के हिसाब से, और स्पेशल मूव हाइटेक ग्राफिक वैसे ही बस में चेंज किया गया, ग्राफिक थोड़ा ऊपर और रैम और ग्राफिक मांगता है, पर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अच्छा होने के बाद ये नहीं कह रहा है तो मतलब ये कि आप चाहे इसमें सुपर सैयन 1 बन सकते, फिर सुपर सैयन 2, फिर 3 और फिर 4 यानी 9 बार, तो चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन उसमें ये कि एक के बाद एक कर सकते हैं, उसमें आपके स्पेशल मूव्स और कॉम्बो कम नहीं होंगे, स्पेशल मूव्स घटेंगे नहीं, इसलिए वो घटाने की जरूरत नहीं है आपको उसमें, ये अच्छी बात है। तो इसके हाई ग्राफिक्स सुपर काम है, हाँ, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स है और ये पीसी में भी अवेलेबल है और ये प्ले स्टेशन 4 में है, और ये हाइक है जैसे कि एक के बाद एक ड्रैगन बॉल जी गेम बहुत अच्छी होती है। मल्टीप्लेयर ऑप्शन वर्सेस में उसके बात करते हैं ड्रैगन बॉल जी कैकर आउट की, वो एक प्ले स्टेशन 4 और पीसी में है, पीसी में 25 GB। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो, मैं उसका वीडियो लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, ऊपर आई आइकन शो होगा देख लेना। तो ड्रैगन बॉल जी हैकर सिंगल प्लेयर गेम है और एडवेंचर और पूरी एनिमी वाली फील देता है क्योंकि पूरा एनिमी वर्ल्ड में आपको फील चाहो तो आप अर्थ में कहीं घूम सकते हो, उसमें कई मिशन कर सकते हो, छोटे छोटे स्पेस में जा भी सकते हो, स्पेस का मिशन भी कर सकते हो, मोबाइल कस्टमर कस्टमाइज, और इसमें भी फ्यूचर को है और फ्यूचर को हम लोग अगर मैं भूल ही कर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 2 में फ्यूचर को आने तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 1 में शायद नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं पर TLC करेक्टर में है तो इसमें फ्यूचर को हान इसमें भी है TLC के जरिए, इसमें सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन 3D हाई ग्राफिक्स बिल्कुल सुपर से भी ऊपर, स्पेशल अटैक्स और सबसे बड़ी बात फ्लाइंग लिम्बस का शेयर कर सकते हो इसमें, और पूरी एनिमी वाली फीलिंग आती है एनिमी वाली, तो सब पूरा एनिमी लाइफ जी सकते हो, और इसमें है आपका पावर लेवल जो आप बढ़ा सकते हो, और सबसे अमेजिंग ऐसा फ्लाइंग लिम्बस की शेयर करना, और ड्रैगन बॉल जी की ऐसी बहुत सी कम है इसमें फ्लाइंग लिम्बस मिलता है हमें शेयर करने के लिए फ्लाइंग लिम्बस के साथ, और इसके और करेक्टर्स भी हैं बहुत से। अब एनिमी की बात कर ही रहे हैं तो एनिमी की इस गेम को कैसे बोल सकते हैं, ये ड्रैगन बॉल जी के क्रॉड से पहले आई थी और ये है ड्रैगन बॉल फाइटर फॉर जी, ड्रैगन बॉल फाइटर जी, और इसमें एनिमी जैसे ग्राफिक्स है पूरे 3D में
इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है और स्पेशल अटैक एनिमेशन बिल्कुल सुपर हाईलाइटेड है। ये 3v3 है, चाहे तो 1v1 भी कर सकते हो, 2v2 भी, पर ये बहुत बड़ी गेम है पीसी में और ये प्लेस्टेशन 4 में है। और इसके ग्राफिक और स्पेशल अटैक बिल्कुल वाले फीलिंग देते हैं, एनिमेशन ज़्यादा फील होते हैं। तो इसमें वैसे ये जैसे कि ड्रैगन वॉर फ्रेंड्स बताते हैं इनमें से विनर कौन कौन है, बेस्ट गेमर से चलिए बताते हैं। विनर है नंबर 1 पे है ये ड्रैगन बॉल जी रैगनारॉक एडिशन और ये प्लेस्टेशन 4 और पीसी में अवेलेबल है और ये है नंबर 1 पे। फिर नंबर 2 पे है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 2 बेस्ट गेम्स में से नंबर 2 पे, फ्यूचर को आहान है और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। थर्ड नंबर पे है ड्रैगन बॉल जी अल्टीमेट चाय और थर्ड नंबर पे नहीं है वैसे, लास्ट में ये लगभग, चलो छोड़ो बाद बताएंगे। तो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे है ड्रैगन बॉल बुडोकाई टीचाय 3। अब दोस्तों यार थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर में होने की इसकी वजह, पर एक गेम इन सब गेमों में एक चीज़ कमी है जो ड्रैगन बॉल बुडोकाई टीचाय 3 में नहीं है, बताऊँ क्या? इसमें है करेक्टर डैमेज, क्योंकि इसमें करेक्टर डैमेज बहुत अच्छे से दिखाते हैं कल के करेक्टर डैमेज, मतलब कपड़े का थोड़ा फंसना और बाकी चोट वोट लगना, यानी जो तुम्हारा करेक्टर है वो डैमेज कितना ज़्यादा, मतलब लगता है इस ग्राफिक अटैक लगने के बाद जैसे डैमेज होता है इनमें, तो वैसे इसमें डैमेज होता है। और ये चीज़ और में नहीं है, जैसे कि ड्रैगन बॉल अल्टीमेट टीचाय में थोड़ा बहुत है पर यूनिवर्स में नहीं है, ना ही इसमें है मेरे ख्याल से, इसमें थोड़ा इसमें है फिर भी पर यूनिवर्स में नहीं है। तो यही चीज़ें जो समझ आती है नंबर 4 में। और नंबर 4 के बाद नंबर 5 में है वो है ड्रैगन बॉल बुडोकाई 3, ये है नंबर 5। आपके साथ इन्फिनिटी वर्ल्ड बोलने वाला था मैं, नहीं इन्फिनिटी वर्ल्ड है नंबर 6 में और लास्ट में है ड्रैगन बॉल जी सागा। ड्रैगन बॉल जी सागा इतना पुराने की वजह यही है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है और स्पेशल इफेक्ट जैसे कि धुआं और पत्थरों का हवा में उड़ना। पत्थरों का हवा में उड़ना ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स 2 में भी है बट, और वो उसमें भी है, तो ये दो चीज़ सेम है जो और में नहीं है जैसे कि। तो फ्रेंड्स ऊपर सबसे ऊपर ड्रैगन बॉल जी है करोट है। तो आपको कैसी लगे वीडियो, आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम मेरे को ढूंढ सकते हो। वीडियो खाते बने हुए आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपके लिए कुछ और भी है, आपके लिए है एनिमी गेम जो क्रॉस ओवर हुई क्योंकि उसमें ड्रैगन बॉल जी की करेक्टर भी है, तो इसलिए वो गेम भी इंट्रोड्यूस करूँगा मैं। तो सबसे पहले जाता है प्लेइंग स्टेशन 2 में बैटल स्टेडियम डॉन जो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और मतलब जापानीज लैंग्वेज में मिक्स है और ज़्यादा इंग्लिश में मिक्स है, तो उस वजह से आप इजीली खेल भी सकते हैं, डोंट वेरी। पर अगर मिशन के लिए आप ट्रांसलेशन का यूज़ कर सकते हैं, सब सारे मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट एनिमी क्रॉसओवर, इसमें ड्रैगन बॉल जी के करेक्टर है और वन पीस के और नारुतो, और इसमें ट्रंक्स भी है, ट्रंक्स हर क्रॉसओवर में होता है, ये अजीब बात है। ये फर्स्ट क्रॉसओवर में बहुत से करेक्टर्स हैं और माजिम बू भी है इसमें। हम बढ़ते हैं सेकंड क्रॉसओवर पे, एनिमी सेकंड गेम क्रॉसओवर, और ये गेम आप डॉल्फिन एमुलेटर में भी चला सकते हैं वेरी इजीली, पर देख सकते हो उसके ग्राफिक कितने हाई है और 3D लगते हैं। और सबसे बड़ी बात सुपर सेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने आप होता है, पर इसमें अल्टीमेट अटैक और काफ़ी कुछ अच्छा जो बिल्कुल 3D फीलिंग देता है। अब बात करते हैं ये है सेकंड क्रॉसओवर एनिमी गेम्स का, इसमें वो करेक्टर तो है ही
मतलब गोकू, वन पीस और नारूटो तो है ही है, पर और भी नए एनिमी और कुछ पुराने एनिमी ऐड हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिका में रियोसु कानकीची वीएस में, और तो और बहुत से हंटर हंटर और भी बहुत से कैरेक्टर्स है कि लक्की मैन है। और ये परी अफसोस ये पीसी में अवेलेबल नहीं है, ये खाली प्लेइंग स्टेशन फ्री पे है। और इस गेम का नाम है जीएसटा ट्रिवर्सेस, और ये प्लेइंग स्टेशन 3 और प्लेइंग स्टेशन 4 में भी है। हम पढ़ते हैं, इसकी ग्राफिक्स काफ़ी हाई है और इसमें गोकू वेजिटा और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, बट सभी कैरेक्टर बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि वो वैसे भी सब दिख नहीं रहे हैं। तो इसमें ब्लेज भी है, तो इसमें बिल्कुल 3D हाई लेवल पे है और इससे भी ऊपर हाई है। वैसे तो प्ले स्टेशन 5 में पता है इसका पार्ट 2 प्ले स्टेशन 5 में रिलीज हुआ, इसका नाम है जे स्टार विक्ट्री वर्सेस 2। इसमें और नए एनिमी ऐड किए गए जैसे कि डीमन स्लेयर, सब पॉपुलर एनिमी है, बाकी सब कैरेक्टर तब जानते हैं, ब्लेज, हंटर हंटर पर। लेकिन हम अभी खाली जे स्टार की बात कर रहे हैं, तो जे स्टार में ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल 3D बिल्कुल टॉय वाली फीलिंग भी देता थोड़ा बहुत, पर एनिमी बहुत अच्छे और हाई ग्राफिक और स्पेशल अटैक। थर्ड एनिमी क्रॉसओवर है जंप फोर्स, जो और भी ज़्यादा है, स्टोरी लाइन तो काफ़ी डिफरेंस, पर लेकिन ये थर्ड एनिमी क्रॉसओवर है और इसमें भी है नए एनिमी वीडियोज और इसमें भी एडिशंस है काफ़ी, और स्विच पे भी अवेलेबल है, आप स्विच में भी मिलर हो तो उसमें भी चला सकते हैं। और उसमें माई हीरो अकेडमिया का डिगू भी है, तो और भी करेक्टर्स हैं, तो जंप फोर्स बस इसमें कुछ ही काम ही नहीं होगा, तो खाली साइन क्रॉस ओवर में था। पर यू गी ओ है जो कार्ड गेम करेक्टर है, बहुत ओल्ड करेक्टर में से एक है वो, और इसके अलावा इसमें फाइटिंग के तौर पर यू गी ओ आया है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। ये ऑनलाइन भी है और ये पीसी में भी अवेलेबल है फोर में, तो और भी नए करेक्टर्स हैं इसमें। फ्रेंड्स आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली, अब वीडियो हो गई है एंड, जो तुम लोगों की मदद करें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक देखा मेरी वीडियो, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चाहे तो इंस्टाग्राम फॉलो करें। बाय बाय।